अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बच्चे हैं जिनको सुप्रीम सोल बाप ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है? है? कोई नहीं है, बस एक ही है, एक ही है जो उस वाणी को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, व्याख्या करता है, जिसका नाम शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों का व्याख्याता, योग की सिद्धि पाने वालों में गीता में भी उसका नाम दिया है, याद है? गीता में लिखा है कि सिद्धि पाने वालों में व्यास है नंबर वन है। सांख्य योग के बारे में ये तो बोला, सांख्य योग पृथक वाला प्रबदंती ना पंडिता, लेकिन योग की सिद्धि पाने वालों में उसका नाम गीता में आया है। फिर वो व्यास, वो तो वेद व्यास हुआ, उसका नाम पूछा जा रहा है जो बात चल रही है व्याख्याता की। कोई बात, कोई मंत्र किसी को सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, उसके अर्थ को जानता नहीं, भाव को जानता नहीं, तो उस मंत्र से फायदा होगा है? उस मंत्र को रटने से, बोलने से वाइब्रेशन बनेगा? वाइब्रेशन तो नहीं बनेगा। वाइब्रेशन तभी बनेगा, भावना का उद्रेक तभी होगा, जैसे कवियों में भावना का उद्रेक होता है, तो कवियों को बड़ा विद्वान माना जाता है। वो भावना कोई भी बात की गहराई को व्याख्या पूर्वक समझा जाए, समझाया जाए, तभी भावना का उद्रेक होता है। तो गीता में वो श्लोक आया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि, किसने बोला? जिस कपिल मुनि के नाम पर कांपिल्य नगर बसाया गया, जहां ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी किसके मुख से निकली? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी की व्याख्या हो रही है।
व्याख्या होना आरंभ हुई। उस स्थान का नाम क्या पड़ा? काम पिल्ले नगर।